हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार बिश्नोई अपने एग्रोनॉमी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन पैडी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि धान एशिया का सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है और इसके ऊपर इतनी बड़ी पॉपुलेशन का अपना खाने का रहने का पूरा एक सेटअप है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूट करता है धान। तो इसका सीधा सीधा संबंध है इंसान के स्वास्थ्य से भी, इंसान और मिट्टी के स्वास्थ्य, हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग एंड एज वेल एज सॉयल, दोनों के स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। वो है टॉपिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आप जानते ही हैं कि पौधों को 17, पहले 16 थे, अब 17 हैं, 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। उनमें से किस प्रकार हम उनका प्रयोग धान के फसल में कर सकते हैं, ये तो इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक, यानी कि ऐसी चीज़ कार्बनिक पदार्थ जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो गांव में या किसान जानते हैं वो है गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर, FYM। इसको FYM बोल देते हैं शॉर्ट में, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। कुछ लोग हरी खाद, क्योंकि गर्मियों के दिनों में वो ढेंचा, सनई, मूंग, इस तरह का खेत में बो देते हैं, और धान की बुवाई से पहले जब खेत की तैयारी करते हैं तो उस हरी खाद को मिट्टी में मिला देते हैं। इसका मिट्टी के भौतिक रासायनिक दोनों गुणों पे बहुत प्रभाव पड़ता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति बहुत अच्छी होती है। कंपोस्ट खाद है, ये सारे के सारे मैन्योर्स में आते हैं। कुछ लोग जो मुर्गी के फार्म होते हैं, पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहाँ से बीट लेके आते हैं, उसकी मुर्गी का जो एक्सक्रीटा होता है उसका प्रयोग करते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा एक जैव फर्टिलाइज़र होते हैं, बायो फर्टिलाइज़र बोल देते हैं उनको, बायो फर्टिलाइज़र। इसमें आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। आपने देखा होगा गांव में कहीं अगर बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है तो जैसे उसके ऊपर एक हरे रंग के जो जलीय पौधे होते हैं जिसे काई बोल देते हैं गांव में, वो जम आती है। ऐसी ही एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अपने अंदर फिक्स कर लेती है। इसका प्रयोग हम कल्चर के रूप में धान के खेत में करते हैं, जैसे धान की रोपाई करते हैं, रोपाई के 4-5 दिन या 6 दिन बाद जब खेत में पानी होता है तो हम BGA का जो कल्चर होता है उसको खेत में बखेर देते हैं और ये फिर धीरे धीरे अपनी कॉलोनी बना लेता है, और उसके बाद जब ये सूख जाता है तो ये पोषक तत्व धान को प्राप्त कराता है और मिट्टी में बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक मैटर उपलब्ध करा देता है। वैसे ही दूसरा है एजोला एनाबिना। एजोला एक फर्न है, ये भी यही काम करता है। एजोला एनाबिना, ये फर्न में एनाबिना नाम की एक होती है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये भी तो BGA और एजोला दोनों, कई बार दोनों यूज करते हैं, कई बार कोई किसान एक यूज करता है। इसके अलावा एजोलोस्पिरिलियम बैक्टीरिया है, उसका भी प्रयोग करते हैं हम। इन सब का प्रयोग करने से जो हमें लाभ प्राप्त होता है वो होता है कि हमारी मिट्टी के जो भौतिक और रासायनिक गुण है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो बहुत अच्छी हो जाती है और पौधों को लगभग सभी पोषक तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। ये है, ये जो बल्की मैन्योर्स हैं या गोबर की खाद है, हरी खाद है, कंपोस्ट है, या BGA है, या नील हरित शैवाल, इन सब का हमें लाभ होता है मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में। और जो हमारा धान पैदा होगा उस धान के जो गुण होंगे, रखने के गुण, उसके खाने का स्वाद, उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा, वो बहुत एक बैलेंस रूप में होती है। तो अगर बैलेंस की हम बात करते हैं तो इनका प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर का सेटअप गांव में या खेती किसानी में चेंज हुआ है, तो हमने देखा है कि गोबर की खाद कम मात्रा में उपलब्ध है, हरी खाद लोगों ने बोना छोड़ दिया है, तो ये सब, और कंपोस्ट आसानी से मिलती नहीं है क्योंकि लोग तैयार ही नहीं करते हैं उसको। जब मिलेगी नहीं और आप डालेंगे, आपकी खेती है ज़्यादा,
और आपके पास जानवर है नहीं तो गोबर आपको प्राप्त होगा नहीं, इसलिए आपको हरी खाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन बचता है। और ये बायो फर्टिलाइजर जो बीजीए और एजोला है, ये बहुत अच्छे आपके लिए सोर्स बनते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी बनी रहे और मिट्टी की गुणवत्ता के साथ साथ जो हमारा उत्पाद है, जो धान है, वो बहुत अच्छा गुणों वाला। क्योंकि आप देखिए, जो ऑर्गेनिक धान होता है उसकी खुशबू, उसका स्वाद वो एकदम अलग होता है। खाने में पता चल जाएगा आपको कि ये हमारा ऑर्गेनिक है या इसमें रासायनिक पदार्थ कम से कम प्रयोग हुए हैं। एक दूसरा जो ग्रुप आता है वो आता है फर्टिलाइजर का, उर्वरक। क्या बोलते हैं इसको? उर्वरक। अब ये उर्वरक जो है, ये ऐसे हैं जो पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में प्राप्त करवाते हैं। जैसे यूरिया का नाम आपने सुना होगा, सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, डाइमोनियम फास्फेट हैं, एनपीके, ये सब, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, बोरेक्स, ये सब के सब क्या हैं? ये फर्टिलाइजर हैं। तो फर्टिलाइजर हैं, इनका प्रयोग भी, क्योंकि जब से हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है 1966-67 में, तो उसके बाद जो हमारी हाई यील्डिंग, अधिक पैदावार वाली वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज के आने से, हाई यील्डिंग वैरायटीज के आने से हुआ ये कि हमारे जो उर्वरक का, उर्वरकों का कंजम्पशन है, उपयोग है, उपयोग और उपभोग दोनों बढ़ा है। आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर का, और इसी के चलते लोग जो प्रयोग करने लगे हैं, उन्होंने पहले तो ये था कि भाई सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे जितने पोषक तत्व हैं, लेकिन कुछ किसानों ने ये भी थोड़ा सा करना शुरू कर दिया कि वो नाइट्रोजन को तो बहुत अधिक मात्रा में डालते हैं और बाकी सारे पोषक तत्वों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो आइए इस पर एक एक बात कर लेते हैं। जो फर्टिलाइजर हैं उनका प्रयोग हम करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस की पूर्ति करने के लिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, और पोटास की पूर्ति करने के लिए पोटेशियम फर्टिलाइजर, सल्फर के लिए, जिंक के लिए, आयरन के लिए, बोरोन के लिए। चूँकि हैं तो 16 पोषक तत्व, लेकिन धान में इन 6 की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है और इनकी कमी के लक्षण भी देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखते हैं तो हमें उनका भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की। जो नाइट्रोजन के सोर्स हैं, इसमें यूरिया और अमोनियम सल्फेट, इन सब दो का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यूरिया क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल है और बहुत अधिक मात्रा में इसका उत्पादन भारत में होता है, इसके जो बिक्री केंद्र हैं इतने ज़्यादा हैं गांव-गांव में कि ये आसानी से उपलब्ध है किसी भी किसान को। अब इनका प्रयोग हम करें क्यों, कौन से वाले का, ये डिपेंड करता है कि जो पौधे प्राप्त करेंगे नाइट्रोजन को वो किस रूप में प्राप्त करेंगे। जब पौधा छोटा होगा, यंग या नया या छोटा पौधा जब होगा, तो वो नाइट्रोजन का अवशोषण करेगा अमोनियम की फॉर्म में। किस फॉर्म में करेगा? अमोनियम की। और जैसे जैसे पौधा पुराना या बड़ा होता जाएगा तो वो उपयोग करेगा नाइट्रेट की अवस्था में। तो ये दोनों अवस्थाओं का हमें ध्यान रखना है कि पौधे को नाइट्रोजन प्रारंभ में मिले अमोनियम फॉर्म में, बाद में मिले नाइट्रेट की फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि भाई अमोनियम देना है तो अमोनियम सल्फेट दे देते हैं और बाद में यूरिया देते हैं। तो हम यूरिया का ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा प्रयोग धान में करते हैं लोग यूरिया। इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है धान में, चूँकि धान जिस ऋतु में पैदा होता है वो होती है गर्म और नम वातावरण। जैसे ही गर्म नम वातावरण में यूरिया को खेत में लोग बखेर के डालते हैं, और खेत में अगर पानी है तो डीनाइट्रीफिकेशन यानी कि जो नाइट्रेट है ये किसमें टूटना शुरू हो जाता है? नाइट्राइट में, NO2, और ये NO2 N2O में, और ये N2, और ये सब गैसीय अवस्था है और ये गैस वायुमंडल में चली जाती हैं। और ये टूटता क्यों है? क्योंकि जब खेत में पानी भरा होगा तो मिट्टी जो होगी वो एनएरोबिक हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो मिट्टी के अंदर जितने भी जीवाणु जैसे सल्फर
के सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, सल्फर के हैं, फास्फोरस के हैं, तो ये क्या करेंगे, ये नाइट्रेट से ऑक्सीजन ले लेते हैं और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन लेने पे नाइट्रेट टूट जाता है नाइट्राइट में और नाइट्राइट टूटता है नाइट्रस ऑक्साइड में या नाइट्रोजन गैस में और ये दोनों वायुमंडल में उड़ जाती हैं गैसीय अवस्था में। एक तो ये काम होता है डीनाइट्रिफिकेशन। दूसरा काम होता है यदि टेम्परेचर ज़्यादा है, नमी भी है, तो यूरिया के खेत में डालते ही यूरिएज एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो यूरिया का अपघटन करने लगता, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। अब इससे क्या होगा, जैसे यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होगा तो अमोनिया गैस के रूप में ये बदल जाता है और इस ये वायुमंडल में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं अमोनिया वोलेटिलाइजेशन, अमोनिया का गैसियस अवस्था में वायुमंडल में उड़ जाना। तो ये दोनों ही हानिकारक प्रोसेस है जिसकी वजह से यूरिया जब हम खेत में डालते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यूरिया की हमारी कोटिंग हो, यूरिया के ऊपर किसी चीज़ से कोटिंग हो, जैसे आजकल फैक्ट्री सब बना रही हैं नीम कोटेड यूरिया या सल्फर कोटेड यूरिया। यूरिया के दाने के ऊपर या पैलेट के ऊपर सल्फर की एक परत चढ़ी हुई होती है फैक्ट्री से ही, या नीम की एक होती है उसकी एक परत चढ़ी होती है। इससे लाभ ये होता है कि वो यूरिया का दाना धीमे 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 घुलता है और जब धीरे धीरे घुलता है तो पौधे की जड़ें उसे जल्दी अवशोषित कर लेती हैं, और नहीं तो जैसे यूरिया डालते हैं तो ये पानी में तुरंत घुलनशील अवस्था में पहुंचता है और या तो मिट्टी में नीचे चला जाएगा या वायुमंडल में अमोनिया गैस बनकर उड़ जाएगा। तो ये बात हुई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की, और अब हम बात करेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की। अच्छा एक बात रहे कि नाइट्रोजन का हम प्रयोग कब करें, नाइट्रोजन का प्रयोग करने का सबसे सही समय है कि नाइट्रोजन को हम तीन या चार हिस्सों में बांटते हैं मिट्टी के हिसाब से। अगर मिट्टी बलुई है, सैंडी है या रेतीली है तो वहाँ चार बार में कम से कम या तीन बार में, और नहीं तो जो साधारण मिट्टी जैसे दोमट मिट्टी है वहाँ तीन बार, आधी रोपाई के समय जब पटलिंग होती है अंतिम पटलिंग के टाइम पे प्रयोग करते हैं, और बाकी दो बार में, पहली कब, जब रोपाई के बाद कल्ले निकलने शुरू होते हैं टिलरिंग स्टेज पर, और दूसरी आधी बची हुई तब जब वो कल्ले पूरे बढ़ जाते हैं और पेनिकल इनिशिएशन स्टेज आती है, जब बाली बाहर की तरफ को निकलना आने वाला टाइम होता है उस समय हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं जब पेनिकल इनिशिएशन होता है। तो ये दो स्टेज हैं नाइट्रोजन की जब हम इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फास्फोरस का प्रयोग कब करें। तो फास्फोरस के लिए पहले जान लेते हैं सोर्स कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है डीएपी या एनपीके के रूप में, एनपीके 10:26:26 या 12:32:16। सिंगल सुपर फास्फेट बहुत पहले से यूज होता आ रहा है, आज भी यूज होता है, क्यों कि इसमें तीन पोषक तत्व मिल जाते हैं, फास्फोरस तो मिलता ही है साथ में सल्फर और कैल्शियम भी मिल जाता है, तो इनका हम प्रयोग करते हैं। और इनकी मात्रा कितनी रखते हैं, अच्छा नाइट्रोजन की मात्रा भी एक थंब रूल के रूप में 100 से लेकर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक, लेकिन ये जो भी मात्राएँ हैं ये सब मात्राएँ मिट्टी की टेस्टिंग के बाद तय करनी चाहिए, कि जब मिट्टी की टेस्ट हो गई और जो रिकमेंडेशन लेबोरेटरी से मिली है उसके हिसाब से उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हमने टेस्ट नहीं कराया है, हमारे पास अच्छी फसल वाली वैरायटी है जो पैदावार ज़्यादा देगी, तो हमें 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हाइब्रिड धान में ये मात्रा और बढ़ जाती है थोड़ी सी। फॉस्फोरस में 60 से 80 किलोग्राम तक फॉस्फोरस का प्रयोग करते हैं इनके माध्यम से, और इसको हमेशा डाला जाता है अंतिम बार जब जुताई हो रही होती है, पटलिंग हो रही होती है, तब इसको हम डालते हैं। फिर बात करते हैं पोटेशियम की, पोटाश को कब डालते हैं। देखिए पोटाश को भी हम अंतिम पटलिंग के टाइम, जब कंधेड़ का अंतिम चक्कर घूम रहा होता है ट्रैक्टर का या बैल से हम खेत में जुताई कर रहे होते हैं, उसी समय हम म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम क्लोराइड जिसमें 60% पोटाश होती है, इसका हम प्रयोग करते हैं बुवाई के या पटलिंग के समय, जिनको हम बोलते हैं बेसल एप्लीकेशन। तो बेसल एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फोरस, बेसल एप्लीकेशन ऑफ पोटाश, और नाइट्रोजन का हम क्या करते हैं कि
तीन हिस्सों में, एक तिहाई हिस्सा बेसल और दो तिहाई हिस्सा स्प्लिट एप्लीकेशन बाद में, दो बार में या तीन बार में। अब बात आती है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट या सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं इनका कब, सल्फर है, सल्फर का हम प्रयोग करते हैं एलिमेंटल सल्फर के रूप में और इसकी मात्रा आमतौर से 25 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। इसको भी हम खेत की जुताई के समय या पडलिंग की जो अंतिम प्रक्रिया होती है उस समय या जुताई के समय खेत में हम मिला देते हैं, खेत की मिट्टी से मिलाई सल्फर और पूरे खेत में बखेर देते हैं। एक बार हम चलते हैं इस तरीके से और दूसरी बार चलते हैं हम इस तरीके से। इसी तरह से जिंक को भी हम पहले भी मिला सकते हैं खेत में, लेकिन ज़्यादा अच्छा है जैसे जिंक, आयरन और बोरोन, इनका प्रयोग यदि हमने नर्सरी में कर लिया अपनी, तो खेत में इसकी डिफिशेंसी या इसकी कमी होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जो लोग अपनी नर्सरी में नहीं प्रयोग कर पाए तो वो जिंक का प्रयोग भी कब करेंगे, जैसे ही खेत में पहली बार वो देखते हैं कि रोपाई के 8 दिन बाद ही जिंक की कमी के लक्षण कभी कभी दिखाई देने लगते हैं अगर खेत में ज़्यादा कमी है तो इसमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। जिंक दो तरीके से आता है, एक दानेदार में आता है जिसको बोलते हैं मोनोजिंक, एक होता है थोड़ा सा पाउडर उसको बोलते हैं हेप्टा जिंक। तो 21% और 33%, 21% हेप्टा और 33% मोनोजिंक, कोई सा भी ले लेते हैं। और जिंक का स्प्रे भी आता है, तो जिंक सल्फेट का स्प्रे होता है, EDTA फॉर्म में होता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसी हमारी स्थिति है उसी के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि हमें क्या करना है। नहीं तो जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सर होता है लिक्विड फॉर्म में होता है तरल अवस्था में, यदि हम पौध उखाड़ रहे हैं तो हम एक वहीं बड़ी एक बर्तन में या बड़ी बकेट में या बाल्टी में उस माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर को पानी में घोल लेते हैं और जड़ों को, पौधे की जड़ों को उसके अंदर या स्लरी बना करके उसके अंदर रखे रहते हैं और बाद में वहाँ से निकाल कर खेत में रोपाई कर देते हैं। आयरन फेरस सल्फेट से हम इसका पूर्ति करते हैं और बोरोन की पूर्ति के लिए हम बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। ध्यान ये रखता है इनका प्रयोग हम अलग अलग भी कर सकते हैं और बहुत सारे उत्पाद ऐसे आते हैं जो एक ही साथ 5 से लेकर 7 पोषक तत्वों को भेज देते हैं। तो ये सारा था हमारा पोषक तत्व का प्रबंधन। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें गोबर की मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का कम्बिनेशन रखना है, ऑर्गेनिक भी रखना है, इनऑर्गेनिक भी रखना है और बायो फर्टिलाइजर भी, तभी ये अप्रोच बनेगी हमारी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगर हम इस अप्रोच को नहीं बनाएंगे तो खेती करना या बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अवधारणा का हम पालन नहीं कर सकते हैं, हमारी मिट्टी धीरे धीरे खराब होती जाएगी। इसलिए हमें सभी उपलब्ध सोर्सों का प्रयोग करना होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाला वीडियो होगा हमारा वीड मैनेजमेंट इन पैडी। थैंक यू।